हजारों में मेरी बहना है सारी उम्र। सो हे गाइज, वेलकम बैक गाइज। आपको भाई आ चुका फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लेके, जैसे कि अपने स्टार्टिंग वीडियो को वॉच कर लिया। गाइज आपको पता है कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाली है, इस तरह का वीडियो आप अपना खुद का बना सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। जो साइड में आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसी वीडियो को हम इसी एप्लीकेशन में एडिट करने वाले। और गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके छोटे भाई के बारे में जानते हैं। मेरा नाम कमलेश और आप हमारे यूट्यूब चैनल यंग टेक में स्वागत है। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो मेरे दोस्त यहाँ पे मेरा काइन मास्टर यहाँ पे ओपन हो चुका है, प्लस के पे आपको जाना होगा, यहाँ पे छोटे वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरेस्ट मिल जाएगा, मीडिया के उसमें जाना होगा, जो भी आपकी फोटोज होगी उन सभी को एक बार यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक बार सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से फोटोज को सेलेक्ट करने वाला, आपको फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा। इन फोटोज के बीच में आपको यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको डेटा ऑन करना होगा, डेटा ऑन करने वाला आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा। यहाँ पे जो गेट मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाने वाला आपको एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। उस ट्रांजेक्शन का नाम यहाँ पे आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो उस ट्रांजेक्शन का नाम, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्पीड वाट के नाम से आपको यह ट्रांजेक्शन मिलेगा। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पे क्लिक करने वाला आपको फर्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। अब आपको सेकंड पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, उसको यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी सेलेक्ट करने वाला आप जो भी यहाँ पे चारों में से आप कोई सा भी यहाँ पे दे सकते हो। तो सभी एक बार यहाँ पे फोटोज में आपको इन सभी चारों फॉर्मेट्स में आपको कोई सा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं एक बार सभी में एक बार जल्दी से कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी में ट्रांजेक्शन दे दिया, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरह आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे इन फोटोज़ की जो ड्यूरेशन आपको यहाँ पे इसको कम कर देना होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको सभी की साइज़ को छोटा कर देना होगा, क्योंकि हमारा वीडियो आपको यहाँ पे 20 सेकंड तक वीडियो बन पाएगा। तो आपको इस तरीके से छोटा कर देना होगा। उसके बाद में आपको इसमें करना क्या होगा, यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होकर यहाँ पे गैलरी में सेव हो चुका है। आपको यहाँ पे सिंपल दो बार बैक करना होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैक करने के बाद आपको प्लस के आइकन पे जाना होगा और यहाँ पे फर्स्ट वाले फॉर्मेट को आपको फिर से सेलेक्ट कर लेना होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया के उसमें जाना होगा, बैकग्राउंड में जाने के बाद ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से इसके ड्यूरेशन को आपको यहाँ पे 20 सेकंड तक लगभग बड़ा कर लेना होगा। फिर से आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा। कुछ इस तरीके से आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के बाद तो यहाँ पे आपको अब लेयर के उसमें जाना होगा, मीडिया पे जाना होगा और यहाँ पे एक टेम्पलेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। सबसे पहले उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं इसको सबसे पहले फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर देना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एंड तक इसके ब्लैक वाले ड्यूरेशन को आपको यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा लीजिए। यहाँ पे इतना बढ़ाने के बाद आपको फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे चलना होगा। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे करना क्या होगा, इस लेयर पे क्लिक करना होगा टेम्पलेट पे और आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा। यहाँ पे क्रोमिकी के ऑप्शन पे जाना होगा, इसको सिंपल यहाँ पे इनेबल कर लेना होगा। यहाँ पे जो भी यहाँ पे ब्लैक कलर है इसको यहाँ पे आपको रिमूव करना होगा, यानी कि हटाना होगा। अब आपको जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया था उसको इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे सेट करना होगा। तो लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, मीडिया पे क्लिक करना होगा, एक्सपोर्ट फोल्डर में आपको जाना होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले यहाँ पे जो वीडियो आपका था इसको यहाँ पे इस फॉर्मेट में आप अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अगर आपके पास यहाँ पूरा एडजस्ट नहीं हो तो आपको करना क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पे स्लाइड करना होगा। यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने बाद इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे दोनों साइड से क्रॉप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्रॉप करने के बाद आपको वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से एडजस्ट करना होगा। जैसे यहाँ मेरा वीडियो यहाँ पे देख पा रहे हो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब मैं वीडियो को आपको चलाकर दिखाता हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, एंड में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाती है। तो आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑडियो फिट आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप सिंपल ऑफ कर लीजिए। यहाँ पे एंड में आने के बाद वॉल्यूम कम होती है, यह प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्व हो जाएगी। और भी कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे वीडियो को देख लीजिए, हमारा वीडियो किस तरीके से बन चुका है। सो गाइज आपका वीडियो कुछ इस तरीके से पे बन जाएगा, शेयर के उस पे जाना होगा, वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। सो गाइज मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज यार इस वीडियो को लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। लाइक करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, जो पास में बेल आइकन वाली जो घंटी दिख रही है इसको यहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।